नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चुनावी चर्चा और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। चुनावी चर्चा में आज हम बात करेंगे बीजेपी की चुनावी रणनीति की। कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी एमपी की ही तरह छत्तीसगढ़ में भी अपने मौजूदा सांसदों को विधानसभा चुनाव में टिकट दे सकती है। इसके बाद से छत्तीसगढ़ के सियासी हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। हम बात करेंगे एमपी में दल बदल पर शुरू हुए सियासी घमासान की। सिवनी में आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को मानहानि का मामला दर्ज कराने की धमकी दी है। हम आपको सुकमा भी लिए चलेंगे, जहां कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में किसान नेता राकेश टिकैत सुकमा पहुंच गए हैं। अब ये हमदर्दी है या सियासत, इस पर हम बात करेंगे। तो साथ ही बात होगी राजधानी भोपाल की भी, जहां बीजेपी के बड़े नेताओं के जमावड़ा लगा हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं चुनावी चर्चा। सबसे पहले हम रायपुर की खबर के साथ शुरुआत करते हैं। विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ में सांसद विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी एमपी की तर्ज पर सांसदों को टिकट दे सकती है। बीजेपी ने एमपी में 7 सांसदों को टिकट दिया है। 3 केंद्रीय मंत्री भी चुनाव लड़ेंगे और ऐसे में ये बड़ी खबर इस लिहाज से है क्योंकि विजय बघेल, आपको याद होगा, उन्हें दुर्ग से सांसद हैं, उन्हें पहली सूची में बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया था और उसके बाद जब एमपी की लिस्ट आई तो एमपी की लिस्ट में 7 सांसदों का नाम था, उसमें 3 केंद्रीय मंत्री थे। तो अब सवाल ये उठने लगा है कि क्या छत्तीसगढ़ के लिए भी बीजेपी की यही रणनीति होगी। तो अभी इस पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है, तो बीजेपी खेमे से खबरें आ रही हैं कि हो सकता है कि बीजेपी एमपी वाली रणनीति ही छत्तीसगढ़ में फॉलो करे, वहाँ वो लागू करे। और छत्तीसगढ़ में अगर आप देखें तो विजय बघेल का नाम तो आ चुका है, लेकिन उसके अलावा जितने सांसद बीजेपी के छत्तीसगढ़ से हैं, फिर वो चाहे रायपुर से सुनील सोनी हो या बाकी जितने सांसद हैं, वो सब भी क्या इस बार का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, इस पर अब कयास लगने लगे हैं, सवाल उठने लगे हैं। तो हाल ही में जो मध्य प्रदेश के लिए दूसरी लिस्ट आई थी, 39 नामों की ये लिस्ट थी, इसमें 7 तो सांसद थे जिनको पार्टी ने विधानसभा टिकट दिया है। इनमें से 3 केंद्रीय मंत्री हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते, इन 3 मंत्रियों को भी टिकट दिया गया। नीलेश त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस बड़ी खबर पर। नीलेश, पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ की रणनीति को मध्य प्रदेश में फॉलो किया गया क्योंकि विजय बघेल को पहले टिकट मिल गया था पहली लिस्ट में, या एमपी की रणनीति को छत्तीसगढ़ में फॉलो करने के कयास लग रहे हैं? जी देखिए, जो पहली लिस्ट जारी हुई थी उसमें मध्य प्रदेश से भी कुछ सांसद के नाम थे जो पहली ही लिस्ट में भी। दूसरा वाला चर्चा इसलिए ज़्यादा हुआ क्योंकि उसमें मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, माफ़ करिएगा, वो थे और मंत्रियों के नाम थे, इस वजह से लगा कि सांसदों की और संख्या ज़्यादा थी सांसदों की। छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ में विजय बघेल को पहले से टिकट दी जा चुकी है और विजय बघेल को उस सीट से टिकट दी गई है जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का निर्वाचन क्षेत्र है, पाटन। वहां से विजय बघेल एक बार के विधायक भी रह चुके हैं, जी पाटन से, और वहां से विजय बघेल भी एक बार के विधायक रह चुके हैं खुद भूपेश बघेल को हरा कर। तो वो एक उनकी पुरानी सीट भी है और विजय बघेल उनके भतीजे भी लगते हैं रिश्ते में, तो वो एक उनका अपना गृह इलाका है, तो इस लिहाज से भी बड़ा है। और सबसे बड़ी बात है कि विजय बघेल 2019 के विधानसभा, माफ करिएगा, लोकसभा चुनाव में वो प्रत्याशी थे जो सबसे ज़्यादा मतों के अंतर से जीते थे बीजेपी की ओर से। अब बात रणनीति की अगर हम कर लें कि बीजेपी की रणनीति क्यों हो सकती है कि सांसदों को टिकट दें, तो पहली बात तो ये है कि इस पर इनकार नहीं कर रही है बीजेपी। जब आज हम राष्ट्रीय प्रवक्ता जो हैं सिद्धार्थ सिंह, उनसे भी इस मामले में बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने इनकार नहीं किया, हालांकि खुलकर नहीं बोले, वो कहे कि जो चुनाव समिति है वो निर्णय लेगी, लेकिन ऐसा हो सकता है उसके संकेत उन्होंने दिए। अब बात करते हैं कि 9 सांसद हैं 11 में से बीजेपी के हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में, और इन 9 सांसद जो हैं वो विधानसभा की जो 73 सीट 73 सीट्स हैं 90 में से उसको कवर करते हैं इनके इलाके जो 9 विधान। तो ऐसे में एक बड़ी जीत 2019 में जब मिली थी बीजेपी को लोकसभा चुनाव में, तो उसका असर और उसको भुनाने की कोशिश करना चाहेगी बीजेपी, इसी रणनीति पर काम कर रही है। और जो लोग हैं, जो सांसद हैं, उनमें से कई लोग, जैसे आपने रायपुर का जिक्र किया सोनी जी का,
सोनी जी यहाँ के महापौर भी रह चुके हैं नगर निगम रायपुर के, तो स्थानीय लोगों में भी जो विधानसभा की सीटें कवर करती हैं रायपुर नगर निगम, वहाँ पे उनके अपने कार्यकर्ता हैं, वहाँ पे उनके अपने कार्य दिखाने बताने के लिए हैं कि महापौर रहते उन्होंने काम किया था। इसके अलावा जो रेणुका सिंह है सरगुजा से, वो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं वर्तमान में, तो उनका अपना एक ओरा है। जितने भी और जैसे प्रदेश अध्यक्ष अभी अरुण साहु हैं, वो बिलासपुर से सांसद हैं, तो वो उनका अपना एक काम करने का। और प्रदेश अध्यक्ष रहते ही रमन सिंह को भी चुनाव लड़ाया गया था, वो भी सांसद थे तब जब पहली बार चुनाव जीता था बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में, सरकार बनाई थी। तो ऐसे में ये कयास जो लगाए जा रहे हैं उसको बल भी मिल रहा है, और इसके संकेत भी बीजेपी नेताओं की ओर से ही आ रहे हैं कि कम से कम 5 या उससे अधिक सांसदों को मौका दिया जा सकता है। ये आपने ये बात जो कही आपने निलेश कि 11 सांसद है, 11 में से 9 बीजेपी के, दो मेरे ख्याल से शायद एक बस्तर सीट है, दीपक बैज खुद वहां से है और दूसरी कोरबा ज्योत्सना महंत। तो दीपक बैज को देखिए, वो चुने गए थे विधायक चित्रकूट से, उनको सांसदी लड़ाई 2019 में वो जीते। अब दीपक बैज की फिर से कांग्रेस वापसी कराएगी जवाब में, या ज्योत्सना महंत लड़ेंगी दोबारा से, आपको ऐसा लगता है, ऐसे लग रहा है आपको? देखिए, ज्योत्सना महंत का विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर बहुत ज्यादा स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये तय है कि दीपक बैज को प्रदेश अध्यक्ष जो है अभी, उनको चुनाव लड़ाया जा सकता है विधानसभा का, और वो अपनी ही सीट जो उनकी पुरानी सीट है चित्रकूट, उससे उनको मौका दिया जा सकता है। तो ये तो कांग्रेस की बात होगी और ये लगभग उनका भी तय ही माना जा रहा है, लेकिन स्वाभाविक है कि जब तक इस पर कोई नाम ना आ जाए आधिकारिक तौर पर या कोई बयान ना आ जाए, तब तक कहना स्पष्ट रूप से ठीक नहीं होगा, लेकिन उनको मौका दिया जाना है, ये लगभग जो सोर्सेस हैं वो बता रहे हैं कांग्रेस की ओर से। जी विडम्बना देखिए निलेश, कि 19 में 7 सांसद थे, मुझे याद आता है, सातों के सातों सांसद सिटिंग सांसदों के टिकट कट गए थे, नए चेहरे लाए गए थे, और अब जो सांसद हैं उन्हें विधायक की लड़ाई जा रही है। चर्चा का विषय क्या रहता है बीजेपी में जब ये चीजें सामने आती हैं? तो जी थोड़ा सा मैं उसको करेक्ट करूंगा आपको, 7 नहीं 10 सांसद थे, 10 सांसद थे, 11 में से 10 सीटें इनके पास थी बीजेपी के पास, और 10 की टिकट काट दी गई थी और उनकी जगह नए लोगों को मौका दिया गया था। और हाँ, एक चीज़ और इसमें जोड़ूंगा कि जो अभी वर्तमान में एक और सांसद हैं महासमुंद से, चुन्नीलाल साहू, वो भी विधानसभा चुनाव में उस समय सिटिंग एमएलए थे 2018 के समय, उनकी टिकट काट दी गई थी, तो उसके बाद उनको लोकसभा में मौका दिया गया था, तो अब फिर से उन्हें हो सकता है कि उनके विधानसभा में वापस भेजा जाए। अब इनकी रणनीति की जो मैं बात कहूँ कि वही है कि 2018 में सबसे बुरी हार बीजेपी को सामना करना पड़ा था, 15 सीटों पर सिमट गई थी। ऐसे में लोकसभा चुनाव जब हुआ तब उसमें जब 11 में से 9 सीटें जीती बीजेपी, और मैं जब पहले ही जब से आपको बताया कि इनकी 9 सीटें जो हैं वो विधानसभा की 73 सीटें कवर करती हैं, तो वही उस लिहाज से स्वाभाविक सी बात है कि इनका अपना प्रभाव होगा उस इलाके में, और कम से कम अगर एक एक विधानसभा की बात लोकसभा क्षेत्र की बात करूं तो उसमें 8, 7, 8, 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, इनमें से अगर एक टिकट इनको दे दी जाए और इनके कार्यकर्ता और बाकी जो विधानसभाओं में जब बात इसकी आएगी कि चुनाव राज्य की सरकार बनाने के लिए है या केंद्र की, तो फिर वहाँ जनता की चॉइस बदल जाती है, क्योंकि यही वो छत्तीसगढ़ है जहाँ फिलहाल अभी 71 विधायक हैं कांग्रेस के पास, लेकिन जब लोकसभा होता है तब वहाँ वो 11 में से 9 बीजेपी को दे देते हैं। अब खैर, जनता तय करेगी कि उनकी क्या रणनीति है, पार्टी को तो रणनीति अपनी है ही। नीलेश, बहुत शुक्रिया है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नीलेश त्रिपाठी इस वक्त रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो चुनावी चर्चा में सबसे पहले हमने आपको रायपुर की बात बताई, जहां अब ये कयास लग रहे हैं, ये हवा में सियासी हलकों में ये खबर है कि मध्य प्रदेश की तरह बड़ी तादाद में सांसदों को रायपुर में विधानसभा चुनाव लड़वाया जा सकता है, यानी कि छत्तीसगढ़ में। आइए जरा भोपाल का जिक्र करते हैं। भोपाल में बीजेपी के आज दिग्गजों का जमावड़ा लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? क्योंकि चुनाव अभियान समिति की बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र यादव, सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश पहुंचे हुए हैं। बीजेपी चुनाव को लेकर रणनीति तैयार कर रही है। तो एक तरफ रायपुर में अपनी तैयारियां हैं, तो भोपाल में अपनी तैयारियां, और अब तो राजधानी भोपाल में जो बैठक है उससे पहले 3 लिस्ट भी बीजेपी की आ चुकी हैं। पहली लिस्ट, दूसरी लिस्ट और दूसरी के बाद तीसरी, हालांकि एक ही नाम आया, अमरवाड़ा, छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा सीट से मोनिका भट्टी को टिकट का ऐलान किया गया था। तो करीब करीब 70-80 नामों का अब तक टोटल बीजेपी ऐलान कर चुकी है। 3 लिस्ट बीजेपी की आ चुकी हैं, 230 सीटें हैं मध्य प्रदेश में, और बीजेपी की अपनी रणनीति जारी है, चुनाव समिति की बैठक चल रही है। तो केंद्रीय आलाकमान अपना काम कर रहा है, लगातार लिस्ट पर लिस्ट आ रही है। इधर उस लिस्ट के बाद की क्या रणनीति होनी है, कैसे चुनावी कैंपेन आगे बढ़ेगा, इसको लेकर बीजेपी अपनी तैयारी कर रही है।
प्रवासी कार्यकर्ता बैठक। तो भोपाल में चुनाव समिति की बैठक के लिए तमाम बड़े नेता पहुंचे हुए हैं और जिम्मेदार दिग्गज इस वक्त राजधानी में मौजूद हैं। चुनाव अभियान समिति की बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र यादव, सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश पहुंचे हुए हैं। बीजेपी चुनाव को लेकर रणनीति अपनी बना रही है, तैयार कर रही है। और रेसिडेंट एडिटर हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनुराग द्वारी जी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हैं। अनुराग जी, तीन तीन लिस्ट आ गई हैं और अब दिग्गजों का जमावड़ा भोपाल में, क्या अंदर पकड़ा है? देखिए, ये जो अभी फिलहाल तीन लिस्ट आई है आसिफ, अगर आप उसमें क्षेत्र नामों का विश्लेषण करेंगे या क्षेत्र सीटों का विश्लेषण करेंगे तो ये वो सीटें हैं 79 में से जो ज़्यादातर वक्त से कांग्रेस के पास रही हैं, कांग्रेस का गढ़ रही हैं। तो इन नामों को चुनने में तो बीजेपी को बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आई, लेकिन अब जो नाम आएंगे अगली लिस्ट में उसमें कई सारी ऐसी सीटें हैं जहाँ पर पार्टी के या तो मौजूदा विधायक हैं, सांसद माफ़ कीजिएगा मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। तो ऐसे में अब रसाकशी तेज़ होगी, क्योंकि जो सूचना हमें मिल रही है कि 30-40% मौजूदा विधायकों के टिकट काटे जाएंगे, जिसमें कई मंत्री भी हैं। तो ऐसी सीटों पर पार्टी को जो जोड़ तोड़ का गणित है या फिर जो नफा नुकसान है या फिर तोड़ फोड़ का जो गणित है, इसका डर ज़्यादा रहता है। और इस बाबत इस पर बहुत ज़्यादा मंत्रणा की जाती है, इस बाबत इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा की जाती है। अब ये बात सामने आ रही है कि 2 तारीख को एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश आएंगे, जबकि पहले 5 तारीख को छतरपुर आने वाले थे, अब 2 तारीख को वो ग्वालियर आने वाले हैं। तो हो सकता है कि इसके बाद एक सूची जारी हो जाए बीजेपी की। वहीं कांग्रेस की तरफ से भी, कांग्रेस के खेमे से भी खबर है कि जन आक्रोश यात्रा जब खत्म होगी 5 तारीख को, तो उसके बाद माना जा रहा है कि कांग्रेस की पहली लिस्ट आएगी। और कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट में ही बीजेपी के जो 3 लिस्ट के नाम हैं, लगभग उतने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर देगी। तो दोनों पार्टियों में अब एक जो अगर कोई अपनी किलाबंदी करता है तो उस किले को कैसे तोड़ा जाए और जो अपनी सीटों पर अपना किला कैसे बचाया जाए, इसको लेकर गहन मंत्रणा चल रही है। तमाम वरिष्ठ नेता, तमाम लोग जुड़े हुए हैं। जैसे कल आपने सुना होगा कि कैसे कैलाश विजयवर्गीय ने टिकट मिलने के बाद कह दिया, तो मैं तो बहुत दुखी हूँ या परेशान हूँ, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी। तमाम ऐसे तरह के बयान आ रहे हैं। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि राजनीतिज्ञों की हालत भी वैसी है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, क्योंकि ये तमाम वो लोग हैं जो खुद सूची फाइनल करने में बैठे थे और ऐसे में क्या उन्हें बिना बताए अचानक से यकायक घोषणा हो गई, जबकि बीजेपी बार बार इस बार जोर दे रही है कि उन्हीं लोगों को टिकट दिया जाएगा जिनके जीतने की प्रबल संभावना बनती है। तो बहरहाल, जो 79 में से 76 सीटें हैं वो तो उनके पास वैसे भी नहीं थी, तो ऐसे में अगर वो 10-20 सीटें जीत लेती है तो उनकी टैली में ये इजाफा ही कहा जाएगा। जनता ये सवाल सोचने लगी है कि अगर इस तरह के बयान अब आ रहे हैं तो ये बेचारगी है कि अदाकारी है कि मैं तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, हम तो अपन तो बड़े नेता हो गए, अपन तो हेलीकॉप्टर से घूमने वाले थे। मैं अनुराग जी आपसे सवाल और पूछना चाहता हूँ, इस समिति में या इस बैठक में जब नामों पर चर्चा हो रही होगी या अगली सीटों पर जब चर्चा हो रही होगी तो 2 बातें और मन में होंगी। पहले ये कि जब टूट फूट होगी तो उसे कैसे रोका जाएगा, क्योंकि कांग्रेस की अभी तक एक भी लिस्ट नहीं आई है। आपने यहाँ छोड़ा, कांग्रेस ने वहां लपका। सतीश सिकरवार एक बेस्ट एग्जाम्पल है। जब आपने पीएम के ग्वालियर दौरे का जिक्र किया तो मुझे याद आ गया कि सतीश सिकरवार खुद तो जीते जीते जब ग्वालियर में निगम का चुनाव हुआ तो भाभी जी भी जीत गई, शोभा जी भी जीत गई और कांग्रेस आज तक मिसाल देती है उसकी। बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा सवाल है ही आसिफ, और ये दोनों दलों के लिए सवाल है, क्योंकि अगर आपने अक्सर देखा होगा कि बीजेपी में जो तोड़फोड़ होती है वो अगर सीट में वहाँ के उम्मीदवार के तौर पर हो जाए, लेकिन कांग्रेस में तो बाकायदा खिड़की दरवाजे टूटने लगते हैं। तो ये मैं इस संदर्भ में कह रहा हूँ कि हाल फिलहाल में कुछ नेता बीजेपी से कांग्रेस में भी गए हैं, तो बार बार ये कहा जा रहा है कि स्थानीय समीकरण को देखते हुए टिकट दिया जाएगा। वैसे ही बीजेपी में आप देखिए कि जो अमरवाड़ा से कल जो बट्टी आई है उनको टिकट दे दिया गया है। तो ये दोनों, मोनिका बट्टी, और दोनों दलों में ये होगा कि भाई अगर आपने स्थानीय समीकरणों को देखते हुए या हटाते हुए इस तरह के कुछ टिकट दिए हैं, उनके नेता कुछ नाराज़ हुए हैं, तो इनको कैसे साधा जाएगा? क्या स्थानीय गणित, क्योंकि पिछले दफ़े भी अगर आपको याद होगा तो 26 ऐसी सीटें थी
जहां पर हार जीत का जो अंतर रहा है वो 5000 वोटों से भी कम रहा है, और 10 सीटों तो ऐसी थी जहां 500 से भी कम अंतर से हार जीत हुई है। और चूंकि इतना कड़ा मुकाबला और इतनी नज़दीक का मुकाबला था पिछली दफ़े भी 115 और 109, और जो अगर आप तमाम सीटों का विश्लेषण करेंगे, अगर आप यहाँ पर जो इंटेलिजेंस है उसके सर्वे को देखें या तमाम जो जानकार हैं उनसे बात करें, तो इस बार की भी जो फिलहाल हवा चल रही है वो यही करीबी मामला बता रही है। अब कौन 115 और या कौन 109 पर है ये तो बताना मुश्किल है, लेकिन ऐसे में अगर बहुत करीबी से, क्योंकि मैं आपको पिछली बार का एक उदाहरण देता हूँ, रामकृष्ण कुसमारिया जो बीजेपी के मंत्री रह चुके थे वो विरोध में खड़े हो गए और 2 सीटों से उन्होंने चुनाव लड़ा, और दोनों सीटों पर उनको वोट तो बहुत ज़्यादा नहीं आए, 1500 से 2000 के आसपास कुछ वोट उनको आए, लेकिन दोनों सीटों पर जो बीजेपी के उम्मीदवार हारे हैं वो लगभग इतने ही वोटों से हारे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना अहम हो जाता है कि जब आप 1000-1500 इतनी नज़दीकी लड़ाई में, जैसे ग्वालियर में तो प्रवीण पाठक मात्र 113 वोटों से जीते थे, और वैसे ही जबलपुर में भी विनय सक्सेना भी बहुत कम 100-200 वोटों के अंतर से ही जीते थे। तो ऐसे में जब इतना नज़दीकी मामला हो और आपके कुछ लोग नाराज़ होकर चले जाएं, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के हों, तो आपको डर रहता है कि कहीं आपके उम्मीदवार पर तो कोई ख़तरा नहीं हो जाए अगर बहुत नज़दीकी मुकाबला हो, और ऐसी प्रबल संभावनाएँ होती हैं, ऐसा हुआ भी है। ठीक, अनुराग जी, एक आखिरी सवाल मुझे आपसे पूछना है, और वो ये भी है कि सांसदों, साथ साथ सांसदों का नाम दूसरी लिस्ट में, इसके बाद से अगली लिस्ट के इंतजार में बैठे दावेदारों की फिलहाल स्थिति क्या है, और जो बाकी बचे सांसद हैं जिनका नाम अब तक किसी लिस्ट में नहीं आया, उनके मन में क्या चल रहा है? देखिए आसिफ, ये बड़ा मज़ेदार सा सवाल है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कई सारे जो चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, इसमें बहुत सारे ना समीकरण हैं। अगर आप देखिए कि पार्टी को ऐसा लग रहा है कि वो आसपास के जो सीटें हैं उसमें भी वो अपनी साख रखेंगे, लेकिन अगर आप एक के बाद एक नाम देखिए, जैसे मान लीजिए नरेंद्र सिंह तोमर का ही नाम देखिए, उनकी अपनी सीट ही इतनी मुश्किल में फंसी हुई है कि वो आसपास क्या प्रभाव डाल पाएंगे, ये एक बड़ी बात होगी। क्योंकि बड़े नाम हैं तो जाहिर तौर पर सिर्फ अपनी सीट नहीं, अगर अपनी सीट में वो बंद हो जाते हैं तो फिर बड़े नाम का फ़ायदा ही क्या। तो ऐसे में खैर, अब ये माना जा रहा है, चूंकि आपका सवाल दूसरा था, मैंने थोड़ा सा उसको साइड ट्रैक किया है, आपका सवाल ये था कि बाकी के जो सांसद हैं उनके मन में क्या चल रहा है। तो मध्य प्रदेश में तो 29 में से 28 सांसद बीजेपी के ही हैं, तो ऐसा नहीं है कि सबको टिकट मिलने वाला है। जिन लोगों को फाइनल किया गया था, दरअसल मैं बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूँ, ये वही सीटें हैं जो कांग्रेस के पास परंपरागत रूप से हैं, जो मजबूत किला है कांग्रेस का, और वहां से बीजेपी ने अपने मजबूत चेहरों को उतारा है। पर अब जो सीटें आएंगी, अब जिनके नामों का ऐलान होगा, वो बीजेपी के पास है, और ऐसे में अगर उनमें, जैसे जो हमें जानकारी मिली है कि 30-40% मौजूदा विधायकों के, मंत्रियों के टिकट कटेंगे, तो वहां तोड़फोड़ का खतरा, या यहां ऐसा ना हो जाए कि इस बार जो कुर्सी टेबल चलने की तस्वीरें हम कांग्रेस के दफ्तरों में देखते हैं वो बीजेपी में ना हो जाए, क्योंकि इसकी भी आशंका बन रही है। बहुत जगहों से इस तरह की नाराजगी की आपने देखा होगा, पहले भी तस्वीरें आ चुकी हैं, लेकिन मैं बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूँ, ये वो सीटें हैं जो बीजेपी की नहीं है। अब अगर किसी मौजूदा विधायक का टिकट कटता है या मंत्री का टिकट कटता है, तो उनके समर्थक क्या हंगामा करते हैं, इसकी तस्वीरें तो आने वाले दिनों में ही दिखेंगे आसिफ। ठीक है, और उसके बाद अभी वो फिर जब मुंह फूलेंगे उन लोगों के जिनकी टिकट कटेगी, उनको कैसे मनाया जाएगा जो कमलनाथ से मिलने लगेंगे। कमलनाथ तो रोज कहते हैं कि मुझसे 2000 कार्यकर्ता मिलता है, बीजेपी का नेता मिलते हैं, वो तो खुलेआम तौर पर कहते हैं, और अब तक कांग्रेस की कोई लिस्ट आई भी नहीं, और लिस्ट डालने में सिर्फ कुछ सेकंड लगते हैं अगर आपने ठान लिया कि फला गुस्सा हो गया और हमारे पास आ गए। तो ये बड़ी दिलचस्प रहेंगी चीजें, नजर बनाए रखेंगे हम। बहुत धन्यवाद है आपका अनुराग जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनुराग द्वारी इस वक्त रेसिडेंट एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए थे, और हमने भोपाल की बात कर ली, रायपुर की बात कर ली, आपको सिवनी लिए चलते हैं। एमपी में विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल की तमाम खबरें आ रही हैं, लेकिन सिवनी में इसी को लेकर बवाल हो गया। सिवनी के आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष दुर्गेश विश्वकर्मा ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल से माफी मांगने की मांग की है। विश्वकर्मा का आरोप है कि इन दोनों ही नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया था कि सिवनी समेत हरदा, बालाघाट, भोपाल, दमोह के आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। इस पर विश्वकर्मा ने कहा कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के बढ़ते जनाधार से घबरा गई है, इसीलिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। विश्वकर्मा ने कहा कि अगर वीडी शर्मा अपने बयान पर माफी नहीं मांगते हैं तो पार्टी उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करेगी। अभी वर्तमान में वीडी शर्मा और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जो है उनके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, और उनके द्वारा कहा गया कि सिवनी जिले के जो आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं उन्हें आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देके भाजपा ज्वाइन कर ली। इस तरीके से अनर्गल बातें, झूठी बातें पूरे प्रदेश में फैला रहे हैं, जबकि मैं आम आदमी पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ,
मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है, फिर भी ये जो है पूरे मध्य प्रदेश में इस बात को फैला रहा है कि सिवनी जिलाध्यक्ष जो है आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया। आम आदमी पार्टी का जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कारबा बढ़ रहा है उससे ये बौखलाहट है और ये अनर्गल बातें कर रहे हैं। आप दो बातें गौर करें, ये जो बयान चला, एक तो नेताजी गुस्से में है, आम आदमी पार्टी के दुर्गेश विश्वकर्मा गुस्से में है, दूसरा उनके बगल में जो शख्स बैठे हैं वो वकील की पोशाक में है। अब वकील ही हैं क्या मानहानि की तैयारी कर ली गई है, जरा ये जानने की कोशिश करते हैं। वहीद खान इस वक्त मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। वहीद, सबसे पहला सवाल ये आपसे कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिवनी में ही हुई थी क्या, और वीडी शर्मा को किसने बताया कि पांच पांच जिला अध्यक्षों ने बीजेपी ज्वाइन कर लिए? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 बजे हुई थी, लेकिन ये बाइट मेरे द्वारा 12 बजे से ले ली गई थी। जैसी मुझे जानकारी लगी कि इस प्रकार की खबर है करके, तो उनका वीडियो भी मेरे पास आ चुका था, तो मैंने जब देखा पूरा वीडियो तो उसमें स्पष्ट तौर से कहा गया है कि 5 जिले के आप पार्टी के जिला अध्यक्ष लोग ये बीजेपी में शामिल हो गए, जबकि ये सरासर गलत है और इसका खंडन दुर्गेश विश्वकर्मा ने भी किया है कि पांचों में से एक ने भी जो जिला अध्यक्ष वर्तमान में हो उनने किसी ने भी बीजेपी का दामन नहीं थामा है। और इनका कहना था कि आप पार्टी की जो प्रसिद्धि है उससे बौखला गई है बीजेपी और इस प्रकार का अनर्गल बयान दे रही है, और उन्होंने चैलेंज भी कर दिया कि यदि इनके द्वारा माफी नहीं मांगी जाती है तो ये मानहानि का दावा करेंगे। तो वाइड मैं देख रहा था दुर्गेश विश्वकर्मा जब ये बाइट दे रहे थे, बयान दे रहे थे, तो एक वकील भी बगल में बैठे हुए हैं, तो ये मानहानि का दावा कर दिया क्या या करने वाले हैं? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि दुर्गेश विश्वकर्मा भी एक एडवोकेट है और उनके बाजू जो बैठे हैं यहाँ कुरैसी वो भी एक एडवोकेट है, तो ये दोनों ही आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी भी हैं यहाँ पे, और इन लोग में भी दोनों में बात हुई कि उनका कहना है कि यदि अभी इनको चांस दिया जाएगा कुछ दिन का, यदि इसके पहले इन्होंने माफी मांग ली बी डी शर्मा जी ने तो उसमें इनको कोई मानहानि का दावा नहीं किया जाएगा, लेकिन यदि इनके द्वारा माफी नहीं मानी गई और अपनी गलती को नहीं माना गया और भूल सुधार नहीं किया गया तो ये मानहानि का दावा भी करेंगे, और उनका कहना था कि मैं क्रिमिनल केस भी इसमें लगाऊंगा कि इन्होंने मेरे को मानहानि हुई है और इनके द्वारा एक क्राइम भी किया गया। ठीक, अब देखते हैं वीडी शर्मा इस पर माफी मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं, क्या प्रतिक्रिया देते हैं। वाइद, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपको सुकमा लिए चलते हैं। किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत सुकमा पहुंचे, कथित फर्जी मुठभेड़ को लेकर ताड़मेटला में चल रहे आदिवासियों के विरोध प्रदर्शन का वो समर्थन करने पहुंचे थे। जिला मुख्यालय के सर्किट हाउस में पुलिस और प्रशासन के बीच बैठक हुई थी। सुरक्षा कारणों का हवाला देकर राकेश टिकैत को ताड़मेटला जाने से पुलिस ने रोकने की कोशिश भी की, उसके बावजूद आदिवासियों के विरोध प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए टिकैत रवाना हो गए। दरअसल कथित फर्जी मुठभेड़ को लेकर आदिवासियों का विरोध प्रदर्शन जारी, इस पर जमकर सियासत भी हो रही है। सलीम शेख हमारे संवाददाता इस वक्त इस बड़ी खबर पर जुड़े हुए हैं। सलीम, बड़ी दूर पहुंच गए टिकैत? जैसे किसान यूनियन अध्यक्ष राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत आज ताड़मेटला में हुए फर्जी मुठभेड़ के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था आदिवासियों का, उसमें शामिल होने के लिए वो ताड़मेटला की तरफ जा रहे थे, तो उन्हें दोरनापाल के पास पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर रोकने की कोशिश की, फिर भी उन्होंने किसी तरह आगे बढ़ने की कोशिश की और गोरगुंडा वहां से करीब 6 किलोमीटर दूर जाने के बाद गोरगुंडा सीआरपीएफ कैंप के पास उन्हें रोक दिया और उन्हें सुरक्षा कारणों का हवाला देकर आगे जाने से रोका गया और उन्हें वहीं से बैरंग लौटा दिया गया। ठीक, बहुत शुक्रिया सलीम, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सलीम शेख सुकमा से हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो चुनावी चर्चा में आज तमाम बड़ी चुनावी खबरों पर हमने बात की, चर्चा की, और एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। ब्रेक के उस पार भी तमाम बड़ी खबरें हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।